कुशेश्वर स्थान उपचुनाव को कवर कर रहे हैं हम, और इस वक्त हम उजिटी पंचायत के हाटी चौक पर हैं। कुशेश्वर क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में हम गए, सड़कों की क्या तस्वीर है हमने आपको दिखाया, कितना विकास का कार्य हुआ है हमने वो तस्वीर भी आपको दिखाया, किस तरीके से सड़कें जर्जर हालात में हैं हमने तस्वीरों के माध्यम से आपको बताया लोगों की परेशानियाँ क्या है। अब हम हाटी में हैं और ये जैसे ही कुशेश्वर की ओर आप इन करते हैं तो शुरुआत का इलाका है कुशेश्वर स्थान जाने के लिए। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी हैं और युवा भी हैं जिनसे जानेंगे समस्याएं क्या है, क्षेत्र में 30 साल में कितना विकास हुआ है और अब जब उपचुनाव है तो माहौल क्या है, सदन में किसे जिताकर भेजेंगे, जो सदन में जाकर इनके हक की सवाल खड़ा करेगा, इनके हक की लड़ाई लड़ेगा। कुशेश्वर स्थान में सबसे ज़्यादा कोई बड़ी समस्या है तो वो सड़क का है। बाढ़ग्रस्त इलाका है, कोसी और कमला दोनों बगल में है, कई नदियां आपस अगल बगल से गुजरती है और जिसके पानी का प्रकोप हर साल लोगों को झेलना पड़ता है। किसान तबके के जो लोग हैं उन्हें फसल का नुकसान झेलना पड़ता है, कह सकते हैं कि मुआवजे के तौर पर सरकार की ओर से जो राशि मिलती है वो भी इन्हें नहीं मिल पाती है। विधानसभा का उपचुनाव है तो लोगों की बात जाना जरूरी है और कुशेश्वर ही नहीं तारापुर से जुड़ी हुई तमाम जो तस्वीरें हैं जो खबरें हैं वो आपको सबसे पहले हम दिखा रहे हैं, लोगों की समस्याएं आपको बता रहे हैं, समाधान निकालने के लिए सरकार ने क्या किया है आपको ये भी बता रहे हैं। लेकिन अब जब चुनाव के तारीख नज़दीक आ गए हैं, 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, क्या नाम है चाचा आपका? कुशे मुखिया जी, यहाँ समस्या कितना अधिक है कुशेश्वर स्थान में और समाधान कितना हुआ? नहीं समझ में आया समस्या। जो सड़कें हैं कैसी हैं? सड़कें तो सही है लेकिन ये जो है पिपरा जो रोड जाता है ना, ये रोड जो है कम से कम 30 बरस से जो है बहुत बुरी तरीक़ा से है। कई बार जो है ये जो है विधानसभा ये जो है MLA सब आया है अपना कह कर के चले गया है, जिस चलते हमारे गांव की बगल में बुआड़ी गांव है, अगला पंचवर्षीय में जो है ना से वोट भी नहीं एक भी डाला था हमारे, यातायात नहीं लोगों ने नाराज़गी से जी नहीं एक भी वोट गांव में डाला था, फिर भी जो है अभी तक नहीं बना। अब इन बार जो है उनको तैयारी किया गया है, ठेकेदार के द्वारा कहा गया है कि इस बार हम सड़क बनाएंगे, आप हमें वोट, आप हमारे समर्पित कैंडिडेट को वोट। यहां से चुनाव लड़ रहे हैं शशिभूषण हजारी के बेटे। शशिभूषण हजारी अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उन्होंने विकास के कितने कार्य किए? विकास को तो किया है लेकिन उसको जो है जो बिचौलिया जो है सब बर्बाद कर दिया है। हम आपके पास भी आएंगे चाचा, आपके पास भी आएंगे। शशिभूषण हजारी के बेटे हैं, एक और चुनावी मैदान में, दूसरी ओर अशोक राम के बेटे हैं, अशोक राम भी यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उन्होंने भी कितना कार्य किया है आपको इस बात का अंदाजा है। और RJD ने इस बार चुनाव लड़ाया है भारती को, गणेश भारती को, क्या लग रहा है माहौल किसके तरफ है? सबसे बड़ी चीज़ है कि विकास के ओर से नज़रिए से कौन कितना सफल साबित हुआ है? नहीं ये हम नहीं बता पाएंगे, इसलिए जो कब किसका कौन वोट देगा मतदान है, इसलिए जो घर में भी जाते के टाइम में बटन दबाने के टाइम में भी कब किसके तरफ मत घूम जाता है ये कोई गारंटी नहीं है, ये हम तो बतला नहीं। हम लंबे समय बाद एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि लंबे समय बाद कुशेश्वर स्थान से लार्जेस्ट पार्टी जो बिहार में है MLA की हैसियत से RJD चुनाव लड़ रही है, तो इस बार क्या उसका असर देखने को मिल रहा है? नहीं नज़र तो नहीं आ रहा है, माहौल थोड़ा गड़बड़ नज़र में आ रहा है, RJD का माहौल गड़बड़। आगे और भी लोग हैं जानेंगे, चाचा क्या नाम है आपका? हमसे बताइए, आप बुजुर्ग हैं। होगा बोला, अच्छा बोला नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से उठते हैं और लोगों से जानते हैं, क्या नाम है चाचा आपका? महेश पंडित। कुशेश्वर विधानसभा क्षेत्र का इलाका है, काम हुआ है यहाँ पर? नहीं काम तो नहीं हुआ है, काम कौन होगा, काम होगा तक नहीं हम बतला रहेंगे, काम तो नहीं, हम देखते हैं ये हुआ है, काम तो नहीं हुआ है, वैसे ही कोई सही है। चुनाव के दिन नज़दीक आ गए हैं, क्या लग रहा है चुनाव का माहौल का? हम संभव तो हम ये नहीं बता सकते हैं, जब कमर है या नहीं है, वोट के बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। माहौल क्या है? वोट तो गुप्त दान मत है आप? हाँ गुप्त दान है, एक
माहौल है तो वो लालटेन है, अमार तीर है, इसी का इस्तेमाल कर दोनों के बीच में टक्कर चलेगा। हाँ शशिभूषण हजारी लंबे समय तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए हैं, अशोक राम भी किए हैं, उनके बेटे अतिरिक्त चुनावी मैदान में हैं और गणेश भारती इस बार नए नए मैदान में आए हैं। जो 30 सालों का जो रफ्तार रहा है विकास का, किसने कितना काम किया है कि क्षेत्र की जनता किस पर विश्वास करे? ये हम बता सकते हैं, हम क्या बता देंगे इस बात को, किसी गति किसी को। अच्छा क्या नाम है चाचा आपका? राम खेलन मुखिया। क्या करते हैं मुखिया? हम लोग अपना खेती गृहस्थी काम करते हैं। इस बार बाढ़ से जो है सब प्रभावित हुआ होगा? जी बहुत ज़्यादा। फसल की मुआवजे वगैरह मिली? नहीं, रिलीफ में आधे जनता को मिला है, आधे त्राय त्राय कर को समय बिताता है। यहाँ सीओ अथी कहते हैं तो कहता है हम क्या करेंगे, पैसा नहीं है, नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग को रखिए, जब 2017 में जो मिला था कुंटलिया बाबा कहता है यही नीतीश कुमार दिया था, उसके अलावे 3 साल 3 बार रिलीफ बिता है, अभी तक हम लोग को कोई रिलीफ नहीं मिला है। जीवन यापन कैसे हो रहा है? जीवन यापन अपन गुजर बसर करते हैं, खेती बाड़ी हल्का हल्का करते हैं, बाहर भीतर से खटकर खाते हैं। 30 सालों में बिहार में कितना बदलाव हुआ ये तो जग जाहिर है, लेकिन कुशेश्वर स्थान में कितना बदलाव हुआ है? बदलाव कोई नहीं हुआ, एक ही दलाल को बदलाव हुआ। कोई 2011 में दिया था कुंडलिया बाबा, 17 में नहीं मिला। हाँ तब यहाँ दलाल को माध्यम से चलता है, दलाल चलाता है। हाँ एक ठो कॉल प्रखंड कहता है 5,000 रुपया लाओ तब कॉल करेंगे, सरकारी कल जो मिलता है। हाँ अभी वोट लेने के लिए परेशान है जो हमको जल्दी दो। वही शशि हजारी हल्ला चिल्ला जो है। क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ काटा को लड़ाई है, कुछ आदमी कहता है राजद को देंगे, कुछ आदमी कहता है तिरछाप को देंगे। लड़ाई में कांग्रेस है या नहीं? अच्छा कम उम्मीद है, कम है। आरजेडी बीच में चलेगा, आरजेडी और जेडीयू के बीच में लगाएंगे, दोनों को बीच में चलेगा। बलरा किसका मजबूत दिख रहा है अभी के दौर में? तो राजद को पलरा देखते हैं मजबूत। कुशेश्वर से आरजेडी ने पहली बार कैंडिडेट उतारा है, लालू प्रसाद यादव ने इस पर टिकट दिया है गणेश भारती को, और तेजस्वी लगातार इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लगातार अभी भी कैंपेन चल रहा है उनका आगे अगले पंचायत में। और हम कुशेश्वर स्थान में हैं तो एक एक लोगों से जान रहे हैं। आप क्या करते हैं? पंचायत बैंक पंचायत घर हुआ बैंक पंचायत है। विधानसभा कौन है आप? वही है जी जी। क्या करते हैं आप? तो चलो बस बैठा रही होता हर का, कुछ तो करते होंगे ना? कलकत्ता में रहते थे जी, नौकरी करते जी। घर क्यों आए हैं, लॉकडाउन वगैरह? हाँ नहीं घर लॉकडाउन तो हो ही है, 2 साल से है ही है, यही है। हाँ अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ऐसे चाय पान खाने के लिए घूमते हैं। यहाँ पर नहीं मैंने जीवन यापन, घर पर तो बैठे रहते हैं। इस बार चुनाव है, लंबे समय बाद आरजेडी चुनाव लड़ रही है, कितना लग रहा है कि यहाँ कुछ कर पाएगी आरजेडी? देखिए सबसे पहली बात है कि शशिभूषण हजारी जो गुजरे हैं कोई ऐसा काम नहीं करके गया है कि नाम नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ करके गया है शशिभूषण हजारी। अभी के दौर में अब जो हो जाए, जब तक कितना नेता आया कितना जीत के गया कभी ये क्षेत्र में नज़र नहीं आया। एक सख्त वही है शशिभूषण हजारी के महीना में 2 बार जरूर आता था। नहीं लेकिन अगले पंचायत के लोगों का शिकायत था कि चुनाव जीतने के बाद तो आए ही नहीं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे बेग पंचायत में महीना में 2 बार जरूर आते थे, एकदम बिल्कुल काम हुआ है, पक्की सड़कें बनी। हाँ बहुत बना है। और बाबा आपका नाम क्या है? हाँ नाम दशा सेठ। क्या करते हैं बाबा? सर क्या करेंगे, साइकिल घिसते हैं, हटिया पेटिया करते हैं, उसी से गुजर बसर चलता है। जिंदगी कैसे भी चल रही है, सरकार क्या कर रही है आपके लिए? आपके लिए सरकार क्या कर रही है? हमको सरकार कुछ नहीं कर रही है। वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता है? नहीं।
आपकी तो उम्र हो गए है ना जी, आपका तो उम्र हो गया है ना सर? हमको 72 हो चुका है। क्यों नहीं मिल रहा है? पेंशन तेंशन नहीं मिल रहा था। प्रधानमंत्री मुखिया सब कहते थे, कोई कहता था 5,000 लाओ, कोई कहता 2,000 लाओ। प्रधानमंत्री की योजना आया, उसमें हमको पेंशन पास हो गया। पास हो गया है जी। अच्छा, इस बार चुनाव है, आप लंबे समय से इस क्षेत्र को देख रहे हैं, किसने कितना कार्य किया है ये भी आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि भूषण जी बहुत काम किए हैं। भूषण जी काम किए हैं? हाँ, बहुत काम किए हैं। तो इस बार उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। शशिभूषण जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अमन हजारी पर भरोसा इस बार क्षेत्र की जनता कितना करेगी? हमको जानकारी है सर। कितना भरोसा करेगी अमन हजारी पर? हम एक पूरा भरोसा है हमको। युवा हैं, काम करेंगे? हाँ, काम करेंगे। बिल्कुल सही। आपका क्या नाम है भैया, बताइए? अमरजीत मंडल। अमरजीत मंडल। मंडल जी आप क्या करते हैं अभी? दुकान पे रहते हैं। आपका दुकान है? यहाँ दुकान है, प्रत्येक दिन लोग आते होंगे, बैठते होंगे और चुनावी चर्चा भी चलती होगी। चुनाव है तो क्या कुछ माहौल है अभी फिलहाल यहाँ का? इस बार लालटेन का है। लालटेन का है, ये बदला तेजस्वी के आने के बाद यहाँ है या फिर पहले से ही था? नहीं, इस बार बदला गया है। इस बार माहौल बना। हाँ, क्या लग रहा है, शशिभूषण हजारी तो काम नहीं किया है क्या सर? ये क्षेत्र में वैसे ही लोग को उल्लू बनाया है, ठक करके गया है, ये करेंगे लेकिन मुँह गढ़ा सबको देता है, गरीब आदमी को कुछ नहीं। गरीबों को नहीं मिलता है? गरीबों को हक कौन दिलाएगा? गरीबों को हक तो वही दिलाएंगे। हम लोग तो हैं ही आम लोगों के समस्याओं को उठाने के लिए, देश दुनिया सरकार तक आपकी बात को पहुंचाने के लिए हम लोग हैं। आगे भी रुकिए, और लोगों से जानते हैं। आपका क्या नाम है चाचा? हाय, कौन सो बताइएगा ना सर। हम तो चैनल से हैं, न्यूज चैनल से हैं, आपके क्षेत्र में आए हैं। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। कितनी दिहाड़ी मिल जाती है रोज? आज 3 साल से तो नमक भी नहीं मिलता है, दिहाड़ी कहाँ मिलेगा? कैसे जिंदगी चल रही है? ऊपर वाला कृपा से। नीचे वाला कुछ नहीं कर रहा है सिस्टम में बैठे? कोई मादर शब्द कुछ नहीं करता है। नहीं, गाली शब्द का इस्तेमाल नहीं कीजिए क्योंकि आपको लाखों लोग देख रहे होंगे इस वक्त। चुनाव है यहाँ, माहौल कैसा है? माहौल आप सर घूम रहे हैं, पूरा क्षेत्र घूमते हैं, आप नहीं जानते माहौल किसका है? हम तो घूम ही रहे हैं, हम तो एक एक लोगों से मिल भी रहे हैं। यहाँ जब चुनाव है तो कई नेता लोग भी घूम रहे होंगे, इससे पहले कितना काम किया उसी आधार पे वोट मांगेंगे ना? हम तो देखते हैं कि जो काम किया सर, तो आपको नज़र नहीं है? हम आए हैं पटना से और हम दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में आपके घर आए हैं और आपसे जानने आए हैं कि कितना काम हुआ। घूमिए सर क्षेत्र, आप तो घूम रहे हैं। सड़कें बहुत टूटी हुई है, जर्जर है। तो कैसे से बनेगा सड़क, कौन बनेगा सड़क? किस पे भरोसा जताएंगे आप जो आगे चल के कार्य करे आपके लिए? किस पे भरोसा जताएंगे जो आगे चल के आपके लिए कार्य कर सके? हमको किसी पर भरोसा नहीं है, अपने आप पर भरोसा है। सर वोट देंगे ना आप? काहे हम बोलेंगे, वोट देंगे ना? वोट तो देंगे। तो माहौल कैसा है, किसके ओर नाराज? कैसे कहेंगे, आइए। तो कुशेश्वर स्थान का हाटी चौक है और यहाँ के लोगों का मत किसके ओर जाएगा ये तो 30 अक्टूबर को ही पता चलेगा, जब नतीजे आएंगे तो सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन समस्याएं अधिक है, कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि शशिभूषण हजारी ने कार्य किया है, जाहिर तौर पे इस क्षेत्र का लंबे समय से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन जब RJD यहाँ से चुनाव लड़ रही है तो और भी यहाँ मुकाबला कांटे का हो गया है। अगले चौराहे से आपको फिर मिलेंगे, तब तक आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, कुशेश्वर स्थान, दरभंगा।